गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी, पाठ 9 ममता, तेना लेखक छे जयशंकर प्रसाद। आ जे पाठ छे तेनो साहित्य प्रकार छे, आ एक कहानी छे एटले के आ एक वार्ता छे ममता। हवे आपणे लेखकनो परिचय मेळवीशुं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलत कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ था। तो हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे आजे पाठ छे ममता ए आपणे भणीशुं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। अहियाँ जे रोहतास दुर्ग छे एमना प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ एटले के जे त्यानु जे होय जीवन, जे भवन होय, भवन के फाटक के पास का जे कमरा होय एवा कहेवाय छे। जे भवन छे एमनू, जे फाटक के पास का कमरा, एमा ए बैठी होय छे युवती ममता। अने एकदम तीक्ष्ण अने गंभीर प्रवाह एनो वही रह्यो छे नदीनो। अने मनमां वेदना अने जेनुं माथुं छे एमां आंधी उपड़ी रही छे, आँखोमां एने पाणी छे अने जाणे एवुं लागे छे कि वरसाद वरसी रह्यो होय तेवुं। त्यां रोहतास दुर्ग के मंत्री जे छे चूड़ामणि एनी एकमात्र ए दुहिता छे। उनके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। जे ममता हती ए विधवा हती, उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? एनु जे दुख हतु एनो अंत हतो नहीं। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। श्रोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुद थी। पिता का आना न जान सकी चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पलिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सके थे। लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। जे ममता हती ए विधवा हती, एटला माटे एनु जे जीवन हतु ए बेसुद थई गयुं हतु। अने एनाथी जे चूड़ामणि व्यथित थई उठता हता अने स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सके थे। ए पुत्री माटे शू करी सके ए पण ए एटला स्थिर पण नहोता अने विचारी पण नहोता सकता कि हुं मारी पुत्री माटे हवे शू करूँ आगळ। लौट कर बाहर चले गए थे। ए बाहर जता रहा। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। हवे एक समय बीती गयो। एना पछी ममता ने पासे आव्या अने ए समये जे सेवक हता 10 एमना चांदी ना जे थाळ हता, चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे, कई वस्तु लईने ऊभा हता। अने जे ममता हती एने अवाज आव्यो बधा लोकोनो अने मंत्रीए बधी जे थाळीओ हती जे चांदीनी एने संकेत आपी दीधो अने थाळ खोलवानुं कह्युं। ममताने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट लिया। कहे छे के तारा माटे छे आ, एटले जे ऊपर ढांकेलू हतु जे ए खोली दीधू, उलट दिया। सुवर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, एनी अंदर सोनू हतु। ममता चौक उठी, इतना सुवर्ण? कहे छे के आटलू सोनू, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रुओं को उत्कोष स्वीकार कर लिया?
पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। उत्कोच एटले के जे लालच छे, एना पिता ने जे रिश्वत आपी छे, उत्कोच एटले के रिश्वत आपी छे, ए तमे स्वीकार करी लीधो पिताजी, आ तो के अनर्थ छे, एवुं ते कहे छे। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। जे ममता छे कहे छे के जे शत्रुओ जोड़े थी तमे आ रिश्वत लीधी छे ए तमे पाछी आपी दो, आपणे ब्राह्मण छीए अने आटलू सोनू लईने आपणे शुं करीशुं। इस पत्नो मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। कहे छे के आपणे शेरशाह रोहतास दुर्ग जे छे एना आपणे अधिकार करी शकीए छीए, अने ए दिवसे जारे मंत्रित्व आपणी जोड़े नहीं रहे त्यारे माटे आ काम लागशे। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हमें दो मुट्ठी अन्न न देगा, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ए ममता छे कहे छे के हे भगवान, आटली विपद परिस्थिति जारे आवे एनु आटलू बधुं आयोजन अने परम पिता नी इच्छा ने विरुद्ध आ बधुं आपणे लईए, आटलू साहस करवो जोईए, भगवानना विरुद्ध आवुं वस्तु न करवी जोईए। अने त्यारे जारे विपद परिस्थिति आवशे त्यारे आपणने बे मुठ्ठी जेटलू अन्न पण नहीं मळे, आ असंभव छे। एटले पिताजी हुं कहुं छुं तमे पाछुं आपी दो, अने आ जे सोनू छे आँखोने આંધળું કરી રહ્યું છે તેવું મમતા કહે છે। મૂર્ખ હૈ કહકર ચૂડામણી ચલે ગયે। દૂસરે દિન જબ ડોલીઓ કા તાંતા આ રહા થા, મંત્રી ચૂડામણી કા હૃદય ધક ધક કરને લગા, વે અપને કો રોક ન સકે। ઉન્હોને જાકર રોહતાસ દુર્ગ કે તોરણ પર ડોલીઓ કા આવરણ ખુલવાના ચાહા। પઢાનોને કહા, યહ મહિલાઓ કા અપમાન કરતા હૈ, કરના હૈ। બાત બઢ ગઈ, તલવારે ખીંચી, मंत्री वही मारे गए, राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े, निकल गई ममता। हवे जे मारा मारी थई अने जे मंत्री हता ए बधा मारा गया, अने राजा रानी जे हता ए को सब छली शेरशाह के हाथ पे पड़े, अने जे ममता हती ए त्यांथी निकली गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। ममता पछी मड़ी नहीं, जे शत्रुओ आव्या एटले ममता भागी गई हती। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुलमों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जे भारतना जे शिल्प हता, जे पहलाना विभूति जे ए ग्रीष्म जे हती जे गर्मी अने ठंडी की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जे ठंडी हती एने जे चंद्रनु तेज हतु एनाथी ए शीतलता करी रही हती। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ए जे झोपड़ी हती मलिन नी छाया में ए शू करती हती, ए स्त्री पाठ करी रही हती अने शू बोलती हती, अनन्या शिव स्तयं तो माए जना पर्यु पासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो, स्त्री ने पूछा। ए पाठ करती हती स्त्री एटले त्यां एक व्यक्ति आवे छे अने कहे छे के मने आश्रय जोईए छे माता, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, क्या शेरशाह से। स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ए कहे छे के जे चौसा युद्ध में जे शेरशाह हता एमनाथी विपन्न થઈને એ રક્ષા માટે અહીં આવ્યા હતા, પરંતુ જે સ્ત્રી છે એ કહે છે કે તું પણ એ જ છે અને તું પણ એવો ક્રૂર જ છે અને તું ભીષણ છે અને ભીષણ જે લોહી છે એનો પ્યાસો જ એટલે કે તરસ્યો છે તું, એટલે તારું એ જ પ્રતિબિંબ છે, એટલે કે તને અહીંયા આ મારી ઝૂંપડીમાં તને સ્થાન મળશે નહીં, તું બીજી જગ્યાએ તારો આશ્રય શોધી લે।
गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। स्त्री विचारे छे कि आ विपत्ति क्यांथी आई। एनो जे हतु जे मांस आयो हतो एनु गळू सुकाई गयु हतु, एना साथी जे हता ए पण छूटी गया हता, अने जे घोड़ो हतो एनो ए पण पड़ी गयो हतो। एटले ए पण जे व्यक्ति हतो एनु ब्रह्मांड आखू जे घूमवा लाग्यो हतो, एने चक्कर आवी रह्या हता। એટલે તે સ્ત્રી કહે છે કે આ વિપત્તિ જે છે એ ક્યાંથી અહીંયા આવી ગઈ। ઉસને જલ દિયા, મુગલ કે પ્રાણો કી રક્ષા હોઈ, વહ સોચને લગી કે યે સબ દયા કે પાત્ર નહીં, મેરે પિતા કા વધ કરને વાલે આતતાઈ, ઘૃણા સે ઉસકા મન વિરક્ત હો ગયા। એ કહે છે કે જે મુગલ છે એને પ્રાણોની રક્ષા કરી, પણ એ સોચે છે, એ વિચારે છે કે આ લોકોની દયા ખાવી જોઈએ નહીં, અને એના પિતાનો જે વધ કરવાવાળા હતા એ આતતાઈ એ જ હતા। સ્વસ્થ હોકર મુગલને કહા, માતા તો ફિર મેં યહાં સે ચલા જાઉં। સ્ત્રી વિચાર કર રહી થી, મેં બ્રાહ્મણી હું, મુજે તો અપના ધર્મ અતિથિ દેવ કે સત્કાર કા પાલન કરના ચાહીએ, પરંતુ યહ નહીં નહીં એ સબ દયા કે પાત્ર નહીં, પરંતુ યહ દયા તો નહીં કર્તવ્ય કરના હૈ। તબ મુગલ અપની તલવાર ટેક કર ઉઠ ખડા હુઆ। મમતાને કહા, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो ठहरो। ममता कहे छे कि तू तमे पण आओ, छल न करो, तमे उभा रहो, अने हूँ तो ब्राह्मणी छू, मारी पण जे अतिथि देवो छे सत्कार करवो ए मारो धर्म छे। छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेले। कहे छे कि हूँ तैमूर नो वंश छू, अने कहे छे कि हूँ स्त्री जोड़े छल करीश, ना ना हूँ नहीं करूँ, आ भाग्य नो खेल छे, हूँ जाऊँ छू। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, जाओ भीतर, थके हुए पथिक तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्चर्य देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ। कहे छे कि हूँ मारो जे आश्रय छे ए नहीं छोड़ूँ, अने तमने हूँ आश्रय आपीश, अने मारू कर्तव्य हूँ निभावीश। एटले बधा जो भूली जाए कर्तव्य धर्म, तो हूँ थोड़ी भूली जाऊँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। जे थाकेलो जे पथिक हतो एने झोपड़ी में विश्राम करो। प्रभात में खड़हर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने में लगी। बार जेने जोयू तो बहु बधा अश्वारोही अश्वा उपर जे लोको हता ए बैठेला जोया अने फरी रह्या हता, एटले एनी मूर्खता उपर कोसी रही हती ममता। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह भी स्त्री कहाँ है, उसने खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मूर्ख दाव में चली गई। दिन भर उसमें से वे निकली, संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस जी को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। उसके बाद वे वहाँ से चले गए। ए स्त्री त्यांथी जे ममता हती ए त्यांथी भागी गई हती, ए छुपाई गई हती। एटले जे माणस हतो जे पथिक हतो एने एना घोड़ा उपर सवार थयो अने कह्यो के मिर्जा अहींया नथी, हूँ एना झूपड़ी में विश्राम थयो हतो, एटले तमे एना माटे एक घर बनाई देजो, ए भूलता नहीं, एटले तमे अहींया विश्राम बनावी देजो, एवुं कहीने ते बधा चाल्या जाय छे। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता 70 वर्ष की वृद्धा थी गई। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। एनु जे शरीर हतु एना हाड़का जे हता हवे नरम थई गया हता अने खांसी थी गूंजी रहा हता। ममता की सेवा के लिए गाँव के 2-3 स्त्रियाँ घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में
कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो उसी जगह को होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छिपर के नीचे बैठे थे, यह घटना में वो 47 वर्ष से ऊपर हुई। हवे मिर्जा जे हती एनु चित्र बनाई आपी तू, ए जे पथिक हतो एने मिर्जा कहतो हतो। एटले कहे छे कि आ जे जग्या हती ए जग्या ऊपर तो बुढ़िया जे वृद्ध स्त्री हती ए मरी गई हसे। अने एने पूछू के जे सहनशाह हुमायूं जे हता एनु जे छप्पर हतु एना नीचे बैठा हता, अने आ जे घटना हता एने केटला वर्ष थया हता, 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री ने कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहनशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन उसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। ये जो अश्वारोही जो घोड़ सवार हतो ये आव्यो अने ममता ने कहू के हूँ जानती नहीं कि सहनशाह हतो के साधारण मुगल हतो, परंतु मैं एने झोपड़ी में आश्चर्य आप्यो हतो अने अहीं रह्यो हतो। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने के लिए याज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, आज मैं उसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं उसे चीर विश्राम में जाती हूँ। कैसे कि हूँ तो विश्राम में जाऊँ छूँ, तमें अहीं आवे मकान बनाओ के महल ये मने खबर नहीं। बुढ़िया के प्राण पंखेरू उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। जे बुढ़िया हती एना प्राण जता रहा, अने जे अश्व घोड़े सवार हतो ए त्याज उभो रही गयो। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनाया और उस पर शिलालेख लगाया गया। ये जगह हती त्या अष्टकोण मंदिर बनायू अने त्या शिलालेख लगाया गयो। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। जे वृद्ध स्त्री हती एना माटे एमने मंदिर बनायू अने विश्राम बनायू हतु, अने जे एमनो जे पुत्र हतो अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ विशाल गगनचुंबी मंदिर बनाया हता। गगनचुंबी जे आकाश ने अड़ी जाए एवं मंदिर बनायू हतु, अने एमा पण ममतानु नाम क्यांय हतु नहीं। तो हवे विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आ शब्दार्थनी समजूती मेळवीशुं। प्रकोष्ठ एटले के भवन के फाटक के पास कमरा, तृण गुल्म एटले के घास का समूह, जाड़ी, तीक्ष्ण एटले के त्रेज, प्रवाह एटले के बहाव, वेदना एटले के पीड़ा दुख, विकल एटले के बेचैन, व्यथित एटले के पीड़ित, दुहिता एटले के पुत्री कन्या, विकीर्ण होना यानी फैल जाना, उत्कोच यानी घुस रिश्वत, प्राचीर एटले के चार दीवारी, विभूति एटले के समृद्ध प्रभुता, विपन्न एटले के संकट ग्रस्त, आतताई एटले के अन्यायी, विरक्त एटले के खिन्न दुखी, मृगदाव एटले के शिकारियों के भय से मृगों को छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो, जीर्ण एटले के वृद्ध झंझर टूटा फूटा। हवे तमारे आ शब्दार्थ लखवाना छे अने त्यारबाद तमारे आ पाठनो जे अभ्यास अने स्वाध्याय छे ए तमारे घरेथी लेसनमां लखी लावानो छे। थैंक यू।